उत्तरदायी सरकार। हमने लीबिया में देखा कि निर्णय की अंतिम शक्ति सैनिक संगठन के पास थी, वह जनता द्वारा चुनी हुई नहीं थी। वहां की जनता सैनिक संगठन के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य थी, जबकि सैनिक संगठन किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं था। इसका चुनाव प्रतिनिधिगण करते हैं। एक लोकतांत्रिक देश में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि और उनकी प्रतिनिधि सभा सर्वोच्च होती है। जितनी भी चुनी हुई सरकारें कार्य कर रही होती हैं, वे विभिन्न तरीकों से जनता के प्रति उत्तरदायी होती हैं। भारत की शासन व्यवस्था पर नज़र डाली जाए तो पता चलता है कि केंद्र की सरकार व विभिन्न राज्य सरकारें इस तरह से लोगों और उनके प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होती हैं। भारत में कार्यपालिका के सभी लोग, जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषदों के मंत्री व उच्च अधिकारी, संसद और राज्य विधानमंडलों व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इनका चुनाव प्रतिनिधिगण करते हैं। निश्चित अवधि के बाद चुनाव। सभी सरकारों का चुनाव एक निश्चित समय के लिए किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि भारत में इसकी अवधि कितने वर्ष के लिए होती है? सरकार सत्ता में पुनः तभी आ सकती है जब जनता उसे पुनः चुने। चुनाव का समय लोगों के लिए वह समय होता है जब वे लोकतंत्र में अपनी शक्ति का अनुभव करते हैं। इस तरह निश्चित अवधि के बाद नियमित चुनाव होने पर जनता का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। यदि जनता जनप्रतिनिधियों के कार्य से संतुष्ट न हो तो चुनाव के द्वारा सरकार को बदल सकती है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए यह आवश्यक है कि ये चुनाव किसी स्वतंत्र संस्था द्वारा करवाए जाएं तथा विभिन्न राजनीतिक दलों को इनमें बिना किसी पूर्व शर्त के भाग लेने की अनुमति दी जाए। भारत में चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग नाम की संस्था कार्य करती है। हमारे संविधान में चुनाव आयोग को स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए कई विशेष अधिकार दिए गए हैं। निष्पक्ष चुनाव के साथ साथ लोकतंत्र के लिए बहुदलीय प्रतिस्पर्धा की भी आवश्यकता है। इसी से लोगों को विकल्प मिलते हैं जिनमें से वे चुनाव कर सकते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। हम कहते हैं कि लोकतंत्र जनता का शासन है, अर्थात हमारे देश में सभी वयस्क व्यक्ति, चाहे महिला हो या पुरुष, अमीर हो या गरीब, किसी भी धर्म के अनुयायी हो, चाहे वे कोई भी भाषा बोलते हों, उन्हें चुनाव में मतदान का अधिकार है। यह सामाजिक समानता है। प्रत्येक व्यक्ति को वोट का समान महत्व है। इसमें गरीब हो या अमीर, शिक्षित या अशिक्षित, लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति के वोट की समान कीमत है। प्रारंभ में कुछ देशों में मतदान का अधिकार मात्र उन लोगों को ही प्राप्त था जिनके पास संपत्ति थी या कर यानी कि टैक्स देते थे। धीरे धीरे संघर्ष के बाद कई देशों में मताधिकार सभी को दिया जाने लगा। भारत में संविधान लागू होने के समय से ही सभी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त है, जिसका अर्थ है कि 18 वर्ष या उससे ऊपर की आयु के सभी लोग मतदान कर सकते हैं। लोकतंत्र में जनभागीदारी। लोकतंत्र में शासन के संचालन में जनता की भागीदारी होती है। कानून बनाने और उनको लागू करने में भी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी होती है। सरकार को जनता से ही समस्याओं एवं आवश्यकताओं की जानकारी मिल सकती है। योजनाओं के क्रियान्वयन में निरीक्षण, परीक्षण, सुझाव, शिकायत करनी चाहिए। लोकतंत्र की मजबूती के लिए नीति निर्माण से पूर्व जनता में विभिन्न माध्यमों से व्यापक चर्चा होती है। लोग किसी भी कानून या नीति के विषय में अखबारों में लेख लिखकर, टेलीविज़न एवं इंटरनेट पर होने वाली बहस में भाग लेकर, ज्ञापन देकर, सेमिनारों, कार्यशालाओं
सम्मेलनों व अन्य कई माध्यमों से अपने विचार रखते हैं। ऐसी चर्चाओं को संचालित करने के लिए समितियां और समूह बनाए जाते हैं। जनता की उदासीनता लोकतंत्र की सबसे बड़ी शत्रु है।